Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. Hey guys, Dr. Devendra Adoria. Welcome to Modern Health and Nutrition. Bahut sare patients ask me about that gynecomastia is connected with the gym exercises. क्या जिम छोड़ने के बाद गायनेकोमेस्टिया वाली कंप्लेंट्स बढ़ जाती है? तो ऑब्वियसली इसके अंदर कई बार ये देखा गया है कि जब आप जिम एक्सरसाइज छोड़ते हो तो स्पेशली जो हम चेस्ट की मसल्स को हम टाइटन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके अंदर ये देखा जाता है कि वहाँ पर जहाँ पर आपका फैट है, ऑब्वियसली जब आप इस बना रहे हो, मसल्स मास गेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हर मसल्स का मास बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे मसल्स बढ़ती जाती है। जैसे आप बाइसेप्स की बात करें तो वो बोलते हैं कि आज जब जिम एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तब 14 का था, 14 इंच का था, अब ये 16 का हो गया है, फिर 17 का हो गया, इस तरह से लोग बात करते हैं। तो यही सेम चीज़ हमारे जो होती है चेस्ट मसल्स पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसका जिम करेक्शन एक ये है कि अगर आप जिम के बाद अगर आप एक्सरसाइज छोड़ते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी चेस्ट की मसल्स का स्पेसिफिक ध्यान रखो ताकि गायनेकोमेस्टिया डेवलप ना होना पाए, ठीक है। अब जिम किस तरह से हेल्प भी करता है, ऑब्वियसली जिम का एक दो माइनस पॉइंट्स है कि गायनेकोमेस्टिया अगर छोड़ने से डेवलप होता है तो ऑब्वियसली जिम एक्सरसाइजेस करने से गायनेकोमेस्टिया ठीक भी होता है। कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस इज द सफिशियंट टू रिड्यूस द मेल ब्रेस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो चेस्ट को रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइज जो होती है वो स्पेसिफिक करवाई जाती है, और मे भी ट्रीटमेंट जो मैंने वीडियोस बनाया हुआ है स्पेसिफिक आपको मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने सभी तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं बताई हुई हैं कि किस एक्सरसाइज से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये था एक जिम का पॉजिटिव पॉइंट कि आप उससे रिड्यूस भी कर सकते हो और उसकी वजह से, छोड़ने की वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जिम करने के बारे में कि जिम की वजह से आपको क्या गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जिम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हो यू शुड स्टार्ट टेकिंग द एनाबॉलिक स्टेरॉयड, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड आप स्टार्ट करते हो, अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में। एनाबॉलिक स्टेरॉयड आप अगर देखेंगे तो बाढ़ आई हुई है सप्लीमेंट्स लेने की अगर देखें तो होड़ मची हुई है, ठीक है। आप अपनी बॉडी वेट का इतना परसेंट आप प्रोटीन लें, कोई 1.5% बताता है, कोई 2% दो गुना प्रोटीन लें, या फिर कोई 1.5 गुना बताता है, कोई 1 गुना बताता है, ठीक है। तो क्या आपके लिए सही रहता है, ये आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि सप्लीमेंट वाले से। उसका काम है बेचना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं उस सप्लीमेंट्स में, और काफ़ी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, जो कि गायनेकोमेस्टिया को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के बाद आपको गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेमोरी जो ग्लैंड्स रहती हैं, मेमोरी टिश्यूज़ रहते हैं मेन में, वो वहाँ पर फैट डिपोजिशन होने लग जाता है, मसल्स मास बढ़ने की बजाय वहाँ पर फैट डिपोजिशन हो जाता है, और वहाँ पर वो गायनेकोमेस्टिया ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो एक ही रीज़न हो सकता है कि जिम अगर आप जाते हो तो बेवेयर ऑफ द सप्लीमेंट्स, या फिर आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो उसके बारे में आप ध्यान रखें, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि अगर आपका गायनेकोमेस्टिया हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है तो जिम किस तरह से आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप एक्सरसाइज करते हो, नॉट ए पर्टिकुलर एक्सरसाइज, वी शुड स्टार्ट विद अ लार्ज मसल्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। हमारा जो एक्सरसाइज का पैटर्न होना चाहिए, स्पेशली होना चाहिए लेग्स की मसल्स, ठीक है, और चेस्ट मसल्स, ठीक है। अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ करते हो तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, और आपका जो मेल ब्रेस्ट वाली जो कंप्लेंट होती है, अब वो गायनेकोमेस्टिया वाली कंप्लेंट होती है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये था मेरा व्यू कि आपका अगर आपका गायनेकोमेस्टिया जिम से किस तरह से रिलेटेबल है, और जिम छोड़ने के बाद क्यों हो जाता है, और क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी एक्सरसाइजेस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सारी एक्सरसाइज मैंने मेंशन की हुई हैं। तो होप सो आपको वो पसंद आएंगी। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, और जय हिंद।